Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and we are studying chapter number 4 of prose, the homecoming. और बच्चों दो वीडियो इस पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए. ये वीडियो पार्ट 3 है एंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर पर. और हम इसमें पढ़ रहे थे कि फटीक अपने मामा के यहाँ पर जब गए थे तो वहाँ जाकर वो कितने परेशान हो गए थे और अपने घर की उन्हें याद आ रही है और वो घर के अपने गांव के उस एरिया को जहाँ वो खेलते थे, उस चारागाह को, नदियों को, अपनी मम्मी को, सबको याद कर रहे हैं. और वो आगे कह रहे हैं, राइटर हमें बता रहे हैं, देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीक. कि अब फटीक की जो हालत है वो कैसी हो गई थी, बैकवर्ड बॉय यानी कि वो पिछड़ा हुआ लड़का था. नो मोर, नो मोर मीन्स उससे ज्यादा और पिछड़ा हुआ लड़का होल स्कूल, पूरे स्कूल में नहीं था. यानी कि फटीक की अपेक्षा पूरे स्कूल में इतना पिछड़ा हुआ लड़का और कोई नहीं था जितना कि फटीक. ही गेप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. अब उसकी हालत कैसी हो गई थी, ही गेप्ड, वो दूरी बनाने लगा, रिमेन्ड साइलेंट, शांत रहने लगा. व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम, जब भी टीचर उससे क्वेश्चन पूछते, उससे प्रश्न पूछते, तो वो शांत रहता, वो कोई जवाब ही नहीं देता. एंड लाइक एन ओवरलेडन एज पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक. और उसकी हालत कैसी हो गई थी, एक एस के जैसी. एस क्या होता है, एक एनिमल जिसको गधा भी कहते हैं. तो और गधा जैसे कि उस पर ओवरलेडन कर दिया जाता है यानी कि ज्यादा वजन लाद दिया जाता है. और वो उसको पेशेंटली बिना कुछ बोले बहुत धैर्य से सफर्ड यानी कि उसको सहन करता हुआ ऑल द ब्लोज, सारे प्रहार को जो उसके कमर पर लादे गए हैं. दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, बैक मीन्स उसकी कमर पर. केम डाउन, जो वजन लादा गया है उसकी कमर पर, जो प्रहार उसकी कमर पर पड़ा है, तो उसको वो बिना कुछ बोले धैर्य से सफर करता है, सहन कर लेता है. तो सहन करता हुआ ऐसा, ऐसी उसकी हालत हो गई थी फटीक की, बिल्कुल एक ऐस के जैसी, अधिक वजन से लदे हुए गधे के जैसी. व्हेन, जब अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, और जब दूसरे लड़के बाहर खेलने के लिए जाते थे, ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो. तो वो क्या करता था, विस्टफुली मीन्स आतुरता से, यानी कि उसकी भी इच्छा होती थी, और वो खड़ा रहता था बाय द विंडो, खिड़की के पास. एंड गेज्ड, गेज्ड मीन्स एक जगह पर देखना, और एक जगह वो टकटकी लगाए देखता था. एट द अदर बॉयज एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउस, तो वो छत को देखता था. डिस्टेंट मीन्स दूर और हाउसेस मीन्स घर, यानी कि दूर के घरों की छतों को एक टक वो गेस्ट यानी कि घूरता रहता था. एंड इफ बाय चांस ही एस्पायर्ड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द, और यदि बाय चांस यानी कि संयोग से उसकी निगाह पड़ जाती थी उन बच्चों पर. एस्पायर्ड का मीन्स होता है किसी चीज को ताकना या देखना. तो बाय चांस अगर उसकी निगाह बच्चों को खेलते हुए पड़ गई और उसने उन्हें देख लिया, ऑन द, कहां पर देख लिया, ऑन द ओपन टीरेस ऑफ एनी रूफ, किसी छत की खुली जगह पर. टीरेस यानी कि जो छत का खुला भाग होता है आगे की तरफ, जिसे छज्जा भी कहते हैं. तो उस पर अगर वो बच्चों को खेलते हुए देख लेता था, ताक लेता था, हिज हार्ट वुड एक्ट विद लॉन्गिंग, तो उसका हृदय लॉन्गिंग यानी कि डिजायर, खेलने की जो इच्छा उसके अंदर थी, उससे पीड़ित हो जाया करता था. एक मीन्स एक पीड़ा, एक दर्द उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती थी और वो भी खेलना चाहता था. वन डे ही समंड अप ऑल हिज करेज, एक दिन क्या हुआ, ही समंड अप, समन का मीन्स होता है बुलावा, भेजना, बुलाना, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है कि उसने अपना साहस बांधा या बटोरा. एक दिन फटीक ने अपना साहस बटोरा. एंड आस्क्ड हिज अंकल, और उसने हिम्मत की, अपने अंकल से पूछा बड़ी हिम्मत करके, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ. उसने अपने अंकल से पूछा कि मैं घर कब जा सकता हूँ. तो हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उत्तर दिया, वेट, प्रतीक्षा करो टिल द होलीडेज कम, जब तक कि छुट्टियां आए तब तक वेट करो. बट द होलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं होंगी. देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय था, स्टिल टू वेट, अभी प्रतीक्षा करने का एक बहुत लंबा समय था. वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन क्या हुआ, फटीक ने अपनी लेसन की बुक खो दी. इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इनडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन,
बुक की सहायता से भी, इवन विद द हेल्प, यानी कि बुक की सहायता से भी ही हैड फाउंड, उसे लगता था, वो पाता था वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल वास्तव में, टू प्रिपेयर हिज लेसन्स, अपने लेसन को तैयार करना, यानी कि जो पार्ट है उसको तैयार करना, उसे बुक की सहायता से भी बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि ऑलरेडी वो टेंशन में था, और बुक की हेल्प से भी वो बहुत मुश्किल से अपने लेसन को प्रिपेयर कर पाता था. नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, और अब तो ये असंभव था, बिल्कुल भी संभव नहीं था. डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली. अब डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, यानी कि एक के बाद दूसरे दिन, टीचर वुड केन, टीचर उसे क्या करती रही, केन करती रही, यानी कि पीटती रही. मर्सी अनमर्सीलेसली मीन्स, यानी कि निर्दयता से, टीचर उसको निर्दयता से रोज पीटती रही. बुक ना होने के कारण हिज कंडीशन बिकेम सो एग्जैक्टली माइजरेबल दैट इवन हिज कजन्स वर अशेम्ड टू ऑन हिम. कि अब उसकी कंडीशन बिकेम हो गई एग्जैक्टली इतनी ज्यादा माइजरेबल मीन्स दयनीय, इतनी बुरी स्थिति उसकी हो गई, इतनी दयनीय स्थिति उसकी हो गई, दैट इवन हिज कजन्स, कि उसके जो कजन्स थे यानी कि मामा के जो बेटे थे, वर अशेम्ड, उन्हें भी शर्म आने लगी टू ऑन हिम, उसे अपना कहते हुए, अपना भाई कहते हुए शर्म आने लगी. दे बिगेन टू जियर, अब वे क्या करने लगे, उसे जियर करने लगे, यानी कि उसे चिढ़ाने लगे, उसे ताना मारने लगे, इंसल्ट उसकी, उसका अपमान करने लगे, मोर देन द अदर बॉय, दूसरे लड़कों से भी ज्यादा अब उसको इंसल्ट करने लगे. ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, और जब वो इन तानों से और इंसल्ट से परेशान हो गया, फटी, तो वह अपनी आंट यानी कि अपनी मामी के पास एट लास्ट अंत में गया. एंड टोल्ड हर, और उसे बताया दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने क्या किया है, उसने अपनी बुक खो दी है. हिज आंट पास्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, अब उसकी आंट ने क्या किया, ये एक्टिविटी बता रहे हैं यहाँ पे राइटर, कि उसकी आंट ने कंटेम्प्ट मीन्स घृणा से अपने होठों को क्या किया, सिकोड़ा, उसने अपनी घृणा से अपने होठों को पस्ट किया यानी कि सिकोड़ा, एंड सैड, और कहा, यू ग्रेट क्लम्सी, तुम बहुत ही बड़े भद्दे, कंट्री लाउड गंवार हो, कंट्री लाउड का मींस गंवार, तो इस तरह से वो बोली, हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माय फैमिली टू बाय यू न्यू बुक्स 5 times अ मंथ, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे दिला सकती हूँ विद ऑल माय फैमिली, यानी कि अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं तुम्हें कैसे वहन करूं, कैसे तुम्हारा बाहर सहूं, टू बाय यू न्यू बुक्स, तुम्हें नई बुक दिलाकर 5 times 5 बार 1 महीने में, 5 5 बार मैं तुम्हें बुक दिलाकर अपनी फैमिली के साथ कैसे सहन करूं, कैसे तुम्हारा भार उठाऊं. दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, और उस रात जिस, मतलब जिस दिन ये बात हुई थी, उसी रात अपने स्कूल से घर वापस आते हुए, फटीक हैड अ बैड हेडेक, फटीक को रास्ते में हेडेक हुआ, बहुत बुरा सरदर्द हुआ, विद अ फिट ऑफ शिवरिंग, और फिट ऑफ शिवरिंग मीन्स अचानक कपकपी आना, फिट यानी कि जैसे कपकपी के दौरे पड़ना, इस तरह से अचानक कपकपी छूट गई. ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसने महसूस किया कि उसे होने जा रहा है एक अटैक मलेरिया फीवर का, यानी कि मलेरिया बुखार का अटैक उसे होने जा रहा है, उसे ऐसा फील हुआ. हिज वन ग्रेट फियर, उसका एक बहुत बड़ा जो डर था वो क्या था, दैट ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट, कि अगर वो अब बुखार उसे चढ़ गया है और वो घर अगर गया तो वो एक नई मुसीबत बन जाएगा अपनी आंट यानी कि मामी के लिए. तो यही सोचकर द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नो वेयर टू बी सीन, वो घर ही नहीं गया, और अगली सुबह फटीक कहीं भी नहीं दिखा, नो वेयर टू बी सीन, कहीं नहीं देखा गया. ऑल सर्चेस इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, ऑल सर्चेस, सभी ने उसे ढूंढा, सभी ढूंढते हैं, इन द ऑल सर्चेस, सारी खोज पड़ोस में सारी खोज हुई, लेकिन सारी खोज क्या हुई, प्रूव्ड फ्यूटाइल, बेकार सिद्ध हुई, फ्यूटाइल का मीन्स व्यर्थ. द ट्रेन सॉरी द रेन हैड बीन पॉरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट, अब जो बारिश है वो पॉरिंग इन टॉरेंट्स का मीन्स होता है भारी वर्षा होना, बहुत तेज मात्रा में वर्षा का होना, टॉरेंट, पॉरिंग इन टॉरेंट्स कहलाता है. तो बारिश उस रात बहुत भारी मात्रा में हो गई थी. एंड दोज और वे हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और जो उस लड़के की तलाश में बाहर गए थे, गॉट ड्रेंच्ड, वे पूरी भीग गए थ्रो टू द स्किन, यानी कि पूरी तरह से, स्किन का मीन्स मतलब पूरे कपड़े उनके भीग गए थे, ड्रेंच का मीन्स भीगना, थ्रो टू द स्किन, पूरी तरह से. एट लास्ट और अंत में विशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, जब सब थक गए और जब फटीक नहीं मिला, तो उसके मामा विशंबर ने क्या किया, पुलिस से हेल्प मांगी. एट द एंड ऑफ अ डे पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर, और अगले दिन जब शाम हो गई, एट द एंड ऑफ द डे यानी कि शाम को, एक पुलिस की वैन दरवाजे पर रुकी, बिफोर द हाउस, घर के सामने.
इट वॉज स्टिल रेनिंग, और तब भी बारिश हो रही थी, एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और पूरी सड़कें जो हैं फ्लडेड हो रही थी, यानी कि बाढ़ सी आई हुई थी। टू कॉन्स्टेबल ब्रॉट आउट, दो सिपाही ब्रॉट आउट लाए फटीक को इन देयर आर्म्स, अपनी बाहों में, एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसम्बर, और उसे बिसम्बर के सामने रख दिया। ही वॉज वैट थ्रो, वो पूरा भीगा हुआ था, फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर पांव तक, यहाँ फटीक की बात हो रही कि फटीक पूरा भीगा हुआ था, मडी ऑल ओवर, उसके पूरा कीचड़ युक्त हो रहा था, कीचड़ उसके कपड़ों पे लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज फ्लश रेड विद फीवर, उसका चेहरा और उसकी आंखें बुखार से फ्लश रेड, एकदम लाल हो रहे थे, लाल लाल दिख रहे थे। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके जो अंग थे ऑल ट्रेम्बलिंग, सब कांप रहे थे, उसके सारे अंग कांप रहे थे। विशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, विशंबर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, और टुक हिम इनटू, और उसको ले गए इनर अपार्टमेंट्स, यानी कि अंदर वाले घर का जो हिस्सा था, अपार्टमेंट जो कोठरी थी या कमरा था उसमें ले गए। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उसकी पत्नी ने यानी कि फटी की मामी ने उसको देखा, शी एक्सक्लेम्ड, तो वह आश्चर्य से चिल्लाई, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस। व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल, हीप ऑफ ट्रबल का मतलब बहुत सारी परेशानी, कि कितनी बड़ी परेशानी इस लड़के ने हमें दे दी है। हैडंट यू बेटर सेंट हिम होम, क्या ये अधिक अच्छा नहीं होता कि तुम उसे घर भेज देते, अगर तुम उसे घर भेज देते तो क्या ये अच्छा नहीं होता। फटीक हियर्ड हर वर्ड्स, फटीक ने उसके शब्द सुन लिए, यानी कि अपनी मामी के, एंड सोब्ड आउट लाउड, और वह जोर से सुबकते हुए बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर ही जा रहा था, मैं तो घर जा ही रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन उन्होंने मुझे वापस खींच लिया, ड्रैग मीन्स खींचना। द फीवर रोज वेरी हाई, यानी कि बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड ऑल दैट नाइट, और उस सारी रात द बॉय वॉज डिलीरियस, लड़का जो है डिलीरियस, यानी कि डिलीरियस होता है जब अधिक बुखार हो जाता है तो दिमाग घूमने लगता है, भ्रम सा होने लगता है, तो इस तरह के मति भ्रम को या दिमाग घूमने को डिलीरियस कहते हैं, यानी कि लड़का कुछ भ्रम से में था। विशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, विशंबर एक डॉक्टर को बुलाकर लाए। फटीक ओपन्ड हिज आईज फ्लश्ड विद फीवर, फटीक ने अपनी आंखें खोली, बुखार से एकदम लाल थी, फ्लश्ड थी, एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और उसने छत की ओर देखा, एंड सैड वैकेंटली, और वैकेंटली होता है खालीपन से, सूनेपन से, कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं आई, मतलब इस तरह का क्वेश्चन था कि क्या छुट्टियां आ गई हैं। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। विशंबर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज ऑन आईज, विशंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोछे, एंड टुक फटीक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ऑन, और फटीक के पतले से, लीन मीन्स पतले और बर्निंग मीन्स बुखार से तपते हुए हाथ को अपने हाथ में लिया, एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके पास बैठे रहे विशंबर। द बॉय बिगेन, लड़के ने शुरू किया, अगेन टू मटर, फिर से, मटर मीन्स बुदबुदाना, कुछ बोलना हल्के से, उसने बड़बड़ाना शुरू किया, मटर मीन्स बड़बड़ाना, जैसे बुखार उसे तेज था तो उसने बड़बड़ाना शुरू किया। एट लास्ट इज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी जो आवाज है बहुत ही एक्साइटेड हो गई, बहुत ही उत्तेजना से भरी हुई थी। मदर ही क्राइड, माँ, वह चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत पीटो, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ। इट मीन्स बुखार बहुत तेज था और उसे मतलब एक तरह से जो दिमाग है उसका काम नहीं कर रहा था, और बहुत तेज बुखार में वो ऐसे चिल्ला रहा था। द नेक्स्ट डे फटीक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगले दिन फटीक कुछ समय के लिए सचेत हुआ, यानी कि उसे होश आया। ही टर्न्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें घुमाई अबाउट द रूम, रूम में चारों तरफ, एज इफ मानो की एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो की वह उम्मीद कर रहा हो किसी के आने की। एट लास्ट अंत में विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और फिर निराशा की एक भाव के साथ, हिज हैड सैंक बैक ऑन द पिलो, और निराशा के एक भाव के साथ अंत में उसने क्या किया, अपने सिर को तकिए में सैंक बैक, इट मीन्स तकिए में कमर के बल लेटकर तकिए में लगा लिया अपने मुंह को, सैंक बैक यानी कि ओंधा लेट गया, मुंह के बल तकिए पर लेट गया। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल, और उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमाया, और क्या किया, विद अ डीप साई, बहुत गहरी सांस के साथ, इट मींस जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो अपनी माँ को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएंगी, लेकिन जब उसने देखा सब खाली है तो उसने अपने एक गहरी सांस के साथ अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया।
विशंबर न्यू हिज थॉट्स, विशंबर उसके विचारों को जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बेंडिंग डाउन हिज हेड, वो अपना सर नीचे झुकाकर बैठे रहे, विस्पर्ड और धीरे से बोले, फटीक आई हैव सेंट फॉर योर मदर। वो समझ गए कि वो किसको ढूंढ रहा है, तो उन्होंने कहा, फटीक मैंने तुम्हारी मम्मी को बुलावा भेज दिया है। द डे वेंट बाई और वो उसी दिन चल भी दी। द डॉक्टर सैड इन अ ट्रबल्ड वॉइस, और डॉक्टर ने भी एक दुख भरी आवाज में कहा, दैट द बॉयज कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक थी, ऐसा उसने बोला। फटीक बिगेन टू क्राई आउट, फटीक जो है वो फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। बाय द मार्क थ्री फैदम्स, बाय द मार्क यानी कि उस निशान तक, थ्री फैदम्स, फैदम होती है एक गहराई को नापने की जो इकाई होती है उसे फैदम कहते हैं। तो उसने कहा उस निशान तक तीन फैदम यानी कि तीन इकाई, बाय द मार्क फोर फैदम उस निशान तक चार इकाई, बाय द मार्क उस निशान तक, मतलब वो इस तरह से बोल रहा है। ही हैड हियर्ड द सेलर, और उसने ए सेलर यानी कि नाविक की आवाज को सुना, ऑन द रिवर स्टीमर यानी कि वो उसे जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी ऊटपटांग दिखाई दे रहा है, और वो ऐसा इमेजिन कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ ऐसी इमेजिनेशन चल रही है। उसे एक सेलर दिखाई देता है, एक नाविक दिखाई देता है, नाव रिवर स्टीमर मीन्स जो नाव नदी में चलती है उसको रिवर स्टीमर कहते हैं, यानी कि बोट पर एक नाविक की उसे कॉलिंग आवाज सुनाई दी और वो कह रहा है द मार्क ऑन द प्लम लाइन, तो यानी कि उस निशान तक वो प्लम लाइन, प्लम लाइन क्या होती है, एक जैसे आपने देखा होगा एक मेटल होता है उसमें एक धागा बंधा होता है और उसको ऐसे लटका दिया जाता है किसी गहराई को नापने के लिए, और ये आप देख सकते हो जब घर बनते हैं तो जो मिस्त्री होते हैं, जो राज होते हैं, वो उसका यूज करते हैं दीवार की सीध को नापने के लिए, तो उसे प्लम लाइन कहते हैं। तो उस प्लम लाइन को यानी कि उस साहुल सूत्र कहते हैं इसे हिंदी में, तो उस साहुल सूत्र पर यानी कि जो निशान है उसको चिल्लाते हुए उसकी आवाज वो सुन रहा है कि वो उससे गहराई जैसे नाप रहा हो। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लमिंग एन अनफैदमेबल सी, और अब वो ऐसा देख रहा है कि वह खुद ही उस अनफैदमेबल सी यानी कि जो गहरा समुद्र है उसको प्लम्बिंग कर रहा है, उसको नाप रहा है, उसको उसकी गहराई वो खुद नाप रहा है उस प्लम लाइन से। उसे ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही कर रहा है इस काम को। लेटर इन द डे फटीक्स मदर बस्ट इन टू द रूम लाइक अ व्हर्लविंड, लेटर इन द डे और बाद में दिन में फटीक की जो मदर है वो बस्ट इन टू द रूम यानी कि रूम में अचानक से घुसी लाइक अ व्हर्लविंड, किसकी तरह, एक व्हर्लविंड यानी कि एक भंवर, जैसे पानी में एक भंवर बनता है और या एक तूफान हम कह सकते हैं, एक तूफान की तरह बहुत तेजी से कमरे में अंदर आई। एंड बिगिन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और वो मतलब फटीक को ढूंढते हुए इधर उधर, टॉस मतलब बहुत तेज तेज इधर उधर घूमी, घूमना शुरू कर दिया। एंड मोन और कराई एंड क्राई, चिल्लाई इन अ लाउड वॉइस बहुत तेज आवाज में। विशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, विशंबर ने प्रयास किया उनकी एजिटेशन को, उनकी जो अंदर हलचल थी उसको शांत करने का। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो बेड पर अपने आप को फ्लंग कर दिया उन्होंने, एकदम से सीधा लेट जाना, अचानक से बेड पर अपने आप को पटक दिया। एंड क्राइड और चिल्लाई, फटीक माई डार्लिंग फटीक मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे। फटीक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मूमेंट, फटीक ने अपनी रेस्टलेस मूवमेंट को यानी कि जो बेचैनी भरी हलचल थी उसे एक पल के लिए, यहाँ पे मूवमेंट्स मीन्स जो हिलने डुलने की क्रिया है, बेचैनी भरी, और मोमेंट मीन्स पल, तो एक पल के लिए जो उसकी रेस्टलेस बेचैनी भरी हलचल थी उसने उसको रोक लिया, वो रुक गई। हिज हैंड सीज्ड, उसके हाथ रुक गए बीटिंग अप एंड डाउन, जो ऊपर नीचे हाथों को पटक रहा था बुखार में की, और वो कह रहा था वन फैदम टू फैदम थ्री फैदम, तो वो रुक गए। ही सैड, उसने कहा आ अरे। द मदर क्राइड अगेन, मदर फिर से चिल्लाई, फटीक माई डार्लिंग फटीक मेरे बच्चे मेरे बच्चे। फटीक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फटीक ने बहुत धीरे से अपना सिर मोड़ा एंड घुमाया उसने अपना सिर, एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी और बिना किसी को देखे सैड कहा, मदर माँ द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियाँ आ गई हैं। तो बच्चों ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, आई होप यू हैव लाइक्ड इट वेरी मच, और अगर आपने इसे लाइक किया है तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके तीनों पार्ट पढ़िएगा, स्टोरी पूरी पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।